पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। कुछ देर पहले जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से अब कोटपुतली के लिए रवाना हो गए हैं। कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे। हेलीकॉप्टर से निकले हैं कोटपुतली के लिए। हालांकि ट्रैफिक को लेकर भी व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि एक और प्लान था कि अगर वो पॉसिबली नहीं उस समय इंप्लीमेंट हो पा रहा है तो फिर वो सड़क के रास्ते से जाते, लेकिन अभी अपडेट यही है बड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कोटपुतली के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और कुछ ही देर के बाद वे कोटपुतली में जनसभा को जब संबोधित करेंगे, जब कोटपुतली पहुंच जाएंगे तब भी तस्वीरें दिखाएंगे। जिसने इस राष्ट्र को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। 5 वर्ष के भविष्य के काल में अगर आपने नेतृत्व इनको सौंपा तो मेरा सौभाग्य भी होगा कि उनके साथ अपना श्रमदान करके मैं वो पुण्य कमा सकूं जिसकी इस शरीर को आवश्यकता भी है और इस शरीर के जन्म होने की सार्थकता को भी कम से कम एक साध्य मिलेगा। एक जन्म, एक मनुष्य के रूप में जो मैंने जन्म दिया है कहीं न कहीं उसकी उसको पूर्णता भी मिलेगी। मैं आप लोगों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी के इस माध्यम से मैं आपके चरणों में वो सारे के सारे आपके सामने अपना भावनाओं को प्रेरित करने के, प्रेषित करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके घर तक नहीं जा पाऊंगा, मैं आपके निवास स्थान तक नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आपके चरणों में एक अर्ज कर रहा हूं कि शरीर को ये अवसर मिला है, इस शरीर को अगर अवसर के रूप में आपने जनप्रतिनिधि का स्वरूप प्रदान कर दिया तो मैं ये बात आपसे विश्वासपूर्वक कहता हूं कि व्यवस्थाओं के माध्यम से संविधान के आधार पर जो कुछ भी समाज की सेवा संभव है उसको पूर्ण करके आपके बीच में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करूंगा। मैं आशा करता हूं कि इस प्रजातंत्र की व्यवस्था के माध्यम से मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा और उस आशीर्वाद से प्रेरित होकर मैं भी भारत के निर्माण में इस शरीर को अपने एक कारक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में समर्पित कर पाऊंगा। मुझे आप लोगों के बीच में आकर जो आप लोगों ने हम लोगों के लिए इस प्रकार की संख्या बल में आपके उपस्थित होकर शहादत प्रदान करी है, आपकी उपस्थिति परिणाम में परिवर्तित होने का इंतजार कर रही है। 19 तारीख को आपके मतों के दान के स्वरूप में जो हमें अनुदान मिलेगा उस अनुदान को गोदान का स्वरूप मानते हुए मैं अपने श्रम से संपूर्ण रूप से पूरी करने की चेष्टा करूंगा। आप सबने धैर्यपूर्वक मेरा विवेचन सुना, मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और आप सबको नतमस्तक होकर आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद। तो कोटपुतली में इस जनसभा में संबोधन आप सुन रहे थे बीजेपी प्रत्याशी और जयपुर ग्रामीण से जो बीजेपी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह हैं वो फिलहाल सभा को संबोधित कर रहे थे। इस बीच अपडेट भी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ ही देर में कोटपुतली पहुंच जाएंगे, इस विशाल जनसभा को संबोधित वो भी करेंगे। और जो फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू का, उनके मैजिक का, जो कि 2019 के चुनावों में हवा की तरह बहता चला गया, जिसका साफ तौर पर असर नजर भी प्रचंड जीत के साथ में आया। आज भी जयपुर ग्रामीण से अपने संबोधन के जरिए वो केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को तो गिनाएंगे ही, लेकिन आगे का विजन क्या है, बीजेपी का चुनावों को लेकर के नजरिया क्या है, जनता को लेकर सोच क्या है, इसका भी जिक्र करेंगे। विजय श्रंखनाथ ब्रैली इसे नाम दिया गया है, नाम से ही काफी कुछ स्पष्ट हो चला है। विजय श्रंखनाथ ब्रैली किस मंतव्य के साथ और किस ऊर्जा के साथ इस जनसभा का आयोजन किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट से वायुसेना के विशेष विमान के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भर चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद कोटपुतली पहुंचकर वो तस्वीरें भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ही आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री कोटपुतली पहुंच जाएंगे। पहले चरण के चुनाव राजस्थान में 19 अप्रैल को और 19 अप्रैल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 जगह पर सभाएं प्रस्तावित हैं, जिसमें शुरुआत आज से हो गई है। 2 दिनों तक मंथन गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जयपुर पहुंचकर सीकर में रोड शो उनका रहा, जोधपुर पहुंचे, जोधपुर में भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र उन्होंने दिया और अब गुरु मंत्र देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटपुतली को चुना है।
कोटपुतली पहुंचेंगे। जयपुर ग्रामीण की लोकसभा सीट पर तो सियासी संदेश पहुंचेगा ही, लेकिन इसके अलावा सीकर सीट पर भी सियासी संदेश उनके इस दौरे के बाद में पहुंचेगा। वो सीकर जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में एक भव्य रोड शो किया, प्रधानमंत्री का संदेश वहां तक भी पहुंचेगा और साथ ही अलवर लोकसभा सीट ईआरसीपी यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक सौगात दी है। राजस्थान को विकसित राजस्थान को बनाने में अल्पकाल में जो कदम उठाए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, अभी अभी जिनका वक्तव्य आपने सुना, जिनकी विविधता के बारे में, जिनकी सरलता ईमानदारी के बारे में पूरा राजस्थान जानता है, जो इस इलाके का गौरव बनने वाले हैं, ऐसे यहां के प्रत्याशी आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी मंच पर विराजे, मंत्रिमंडल के सम्मान्य सदस्यगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी, सतीश जी, विधायकगण और मेरे सामने विराजित इस विधानसभा के अंदर आज खेत में कटाई का वक्त है। 1000 रुपए में मजदूर नहीं मिलता, अपने कामकाज को छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुपा माताओं और बहनों, भाइयों मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, अभी कुछ ही दिनों में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनको देखने और सुनने के लिए आप कई कई किलोमीटर का सफर करके आए हैं, आपके बीच में आएंगे। और मैं मेरे बरसों से मन में एक तमन्ना थी, एक इच्छा थी, राव राजेंद्र सिंह जी को मैंने विधानसभा में उपाध्यक्ष के रूप में और साथ ही विधायक के रूप में बहुत सुनता था। मैं कई बार उनको कहा करता था, राव साहब आपका सही मुकाम इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है। और मुझे खुशी है कि एक प्रखर वक्ता के रूप में, आर्थिक चिंतन करने वाले व्यक्तित्व के रूप में आप इस इलाके का प्रतिनिधित्व करेंगे। भाइयों यह चुनाव हिंदुस्तान का अश्वमेध यज्ञ है। हिंदुस्तान को करवट लेते हुए हमने मोदी जी के नेतृत्व में देखा, हमने 10 सालों में हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदलते देखा है, हमने गरीब के जीवन को बदलते देखा है। हम उस बात के साथी रहे, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर कांग्रेस ने गरीब का वोट जरूर बटोरा, और कभी गरीबी को रेखा से ऊपर लोगों को लाने की सोची नहीं। यह मोदी जी का शासन का आज वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम एजेंसियां कह रही है 25% से ज्यादा लोग गरीबी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।